नगर निगम चुनाव में मतदाताओं के स्थानांतरण से क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही मामला गोकुलपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 83 में देखने को मिला, जिसके चलते वोट लिस्ट में नाम ना होने से मतदाताओं में काफी रोष देखने को मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 83 जो राजा मंडी पर है, और यहाँ पर कुछ लोगों की जो समस्या है वो वोटर लिस्ट में नाम ना होना। कई ऐसे यहाँ पर लोग जो वोटर आईडी जो मतदाता हैं उनका कहना है कि उनके पूरे परिवार का वोट जो है वो लिस्ट में नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर सुबह से ही ये अपने जो लिस्ट में जो नाम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं देखने को मिला है। क्या समस्या आ रही है, क्या कारण है जो आपका वोटर लिस्ट में नाम? मेरे वोटर लिस्ट में जो यहाँ पे आयोग आया था, बीएलओ आयोग आया था, उसमें हमने नाम बढ़वाए थे और नाम बढ़वाने तो उसमें हमारे नाम घर के परिवारों का नाम नहीं आया है। कई व्यक्तियों के घर के सदस्यों के नाम आ रही हैं। कितने सदस्य हैं आपके? मेरे यहाँ 19-20 सदस्य हैं और उनके वोट के सब आ रही है। 28-31 और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। 28-33 पूरे घर के हमारे वोट गए हुए हैं, जो पहले अगली बार हमने वोट डाला है, अगली बार वोट डाला हमने, अब की बार बिल्कुल वोट आया नहीं, हमने लिस्ट में भी टिकवाया, कहीं भी नहीं है हमारा वोट। आपने यहाँ पर किसी अधिकारी से संपर्क? अधिकारी से कही थी, पहले भी ये लोग अगर आए थे बोले आएंगे आपके वोट, हम पे सब कुछ आएगा, पहले का भी इंतजाम जो है, अब की बार है ही नहीं है वोट हमारे, सबके वोट काट रहे हैं, हमारे वोट का पांच दिन चार परेशान हो गया, पूरे मालूम होंगे ये वोट भी नहीं आया, पूरी बस्ती का वोट काट रहा है, सत्ता जोड़े में 6 वोट काटे गए हमारे। कितने लोग आपका? हमारे पूरी फैमिली का वोट नहीं है, पूरी बस्ती के अंदर 3 घर के वोट है, बाकी के सब गायब है, कम से कम 150 वोट से ज्यादा गायब है। इधर हमारे पड़ोस की बस्ती के सब 1/1 का सब गायब है, 3 फैमिली के आए बस, बाकी सब गायब है। क्या लग रहा है, क्या वजह है इन वोटों को यहाँ से अशोकनगर में भरते हैं, उधर से हमने जांच कराई तो माफ नहीं है, पीछे आए पीछे भी नहीं मिले, अब इधर आए तो इधर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम 2 घंटे से डोल रहे हैं, मिल ही नहीं रहा हमारा वोट। यहाँ देखा कि आपने जो मतदाता हैं सुबह से ही अपना वोट ढूंढने में लगे हुए हैं, लगातार इनका कहना है कि पिछली बार जब वोट दिया था तो वोट थे, लेकिन इस बार करीबन 150 से ज़्यादा वोटर लिस्ट में इनके जो क्षेत्र के लोग हैं उनका नाम देखने को नहीं मिल रहा है। अपने साथी राजीव के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।